गुरुजी आध्यात्मिक जीवन के लिए इंसान को किसी सदगुरु को खोजना चाहिए या ये अपने आप होता है आप कहाँ खोजेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सदगुरु है और कौन सदगुरु नहीं है आपके पास परखने का कोई तरीका नहीं तो मैं किसी चीज को कैसे खोजू आप बस खोजिए आप बस जानने की लालसा बनाए रखिए आप जितना ज्यादा मैं नहीं जानता हो जाते हैं आपकी तलाश उतनी ही गहरी हो जाती है खोजने का मतलब किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं है खोजने का मतलब है कि आप उसे खोज रहे हैं जो आप नहीं जानते अगर आपको खोजना है तो आपको पहले से कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए है कि नहीं आपने पहले से ही धारणा बना ली भगवान ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं मैं उनकी खोज में हूं यह खोज नहीं है यह बस आपका भ्रम है खोजने का मतलब है सिर्फ खोजना खोजना तभी संभव है जब आपके भीतर मैं नहीं जानता गहराई में बैठा हुआ हो अगर आपके भीतर मैं नहीं जानता का खालीपन गहरा हो जाता है तो सदगुरु आप तक पहुंच जाएंगे आपको खोजने की जरूरत नहीं है यू नो क्योंकि आप नहीं जानते कि कैसे खोजा जाए अगर आप अपनी समझ से खोजते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप ऐसे इंसान को खोजेंगे जिसके साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं देखिए अगर आप कोई दोस्त खोजते हैं तो आप किस तरह का दोस्त खोजते हैं क्या आप ऐसा दोस्त चाहेंगे जो हर रोज आपके अहम को ठेस लगाता है आप ऐसा दोस्त चाहेंगे जो रोज आपके अहम को पोषित करता है कि नहीं अगर कोई आपके अहम पर चोट करता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है तो अगर आप गुरु की खोज करते हैं तो वो भी इसी तरह की होगी और ऐसा गुरु जो आपको दिलासा देता है आपके किसी काम का नहीं है लोगों को दिलासा देने में कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है ये बस एक मनोवैज्ञानिक सांत्वना है जो आपका परिवार आपको दे सकता है जो आपका कुत्ता भी दे सकता है कुत्ते से काफी सुकून मिलता है है ना है कि नहीं क्या आपके घर में पालतू जानवर हैं? वो आपके लिए गहरे सुकून का स्रोत हो सकते हैं आपको दिलासा के लिए भगवान की जरूरत नहीं है आप दूसरे आयाम की खोज सुकून के लिए नहीं बल्कि मुक्ति के लिए करते हैं उस हर चीज से मुक्त होने के लिए जो आप अभी हैं तो अगर आप दिलासा पाने के लिए गुरु खोज रहे हैं तो वैसे बहुत सारे हैं अगर आप मुक्ति पाने के लिए गुरु खोज रहे हैं तो अगर आप उनके साथ बैठते हैं तो आप खतरा महसूस करते हैं आप उनसे दूर भागना चाहते हैं लेकिन साथ ही आप उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते अगर आप लगातार उनसे खतरा महसूस करते हैं और इसके बावजूद आप उनके साथ होना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए एक अच्छे गुरु हैं अगर आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वो आपके लिए अच्छे गुरु नहीं हैं आप उनके साथ लगातार अनकंफर्टेबल महसूस करते हो और साथ ही आप उनके साथ होना भी चाहते हो तो वो आपके लिए एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन है